देने के बाद अनवी डॉक्यूमेंट जनक को तो होता दे देते हैं, लेकिन इस प्रकार से भी केयर करके फाड़ करके देते हैं। तभी जनक कहती है कि मैंने अपना हक क्या मांग लिया आपसे, आप तो पता नहीं किस मोड़ पे उतार आए हो। ये बातें सुन करके जनक उन्हें बताती है, लेकिन अनवी है वो गुस्सा हो जाते हैं। वो हर्षिता के प्यार में इस प्रकार से डूबे हुए तो वह कहते हैं कि जनक तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम मुझसे अपना पार्टीशन मांग रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें जिसके लिए चुना गया है उसको मेरी वजह से ही चुना गया, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं सेलेक्ट करने वाला। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या अब जनक है फिर से उसी मोड़ में आ पाएगी, या वो फिर जो फिल्म के लिए सेलेक्ट की गई है वो अपना काम छोड़ देगी, क्योंकि वह फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ जीना चाहती है। इसीलिए अनवी है उन्हें बार बार और अन्य फैमिली के मेम्बर्स उन्हें बार बार परेशान करते रहते हैं। जनक को कहते हैं कि तुम पता नहीं कब सुधरोगी, तुम्हारा काम है घर में खाना बनाना, रहना पीना, उठना जागना, सोना, सभी की सेवा करना, लेकिन तुम तो पता नहीं कौन कौन से ड्रीम्स देख रही होती हो। ऐसी कंडीशन में जनक को वह कहते हैं कि तुम अगर सही तरीके से रही तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जा भी सकती हो। तो जनक को ऐसा बार बार प्रेशर बना के वो पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। ऐसी कंडीशन में क्या जनक वहाँ से चली जाएगी या फिर नहीं। जनक सबको कहती है कि तुम पता नहीं मेरी हेल्प करोगे या नहीं करोगे, लेकिन अकेले एक्टर्स बनने के बाद मुझे पता है कि तुम सब मेरी ओर आकर्षित होने वाले हो।